जो मैदान आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक समय पे जंगल हुआ करता था, बक्सवा जंगल। लेकिन वो खेत बनाने के लिए जंगल काट दिया गया। भाई खाना तो आदमी ने खाना ही है ना, पर अब जो बचा खुचा जंगल है उस पे खतरा है हीरो का। हम लोग जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज, क्योंकि हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन है। बक्सवा के बस स्टॉप पे अभी उतरे हैं, अभी हमने गाड़ी रेंट करी और हम सगुरिया गांव जा रहे हैं जो बक्सवा जंगल से लगता हुआ है। बक्सवा के जंगल से मैं कुछ महीने पहले जुड़ा जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक कंपनी हीरों के खनन के लिए 2.25 लाख पेड़ काटने वाली है। ये बहुत ही चिंता का विषय था, हमने इस बारे में वीडियो बनाया, दसियों लाखों लोगों ने हमें सपोर्ट किया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी वीडियो बनाए, कुछ लोगों ने NGT में केस भी फाइल किया, NGT ने जंगल के कटने पर स्टे लगा दिया। ऊपर में दे रहा है ना जो गांव कसेरा की बस की जाम में लग गया है, इसी गांव का जंगल करना है, कसेरा गांव के नाम है। हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये जंगल की शुरुआत है, हमने गाड़ियां रोक दी है क्योंकि वहां पे मुझे कुछ आदिवासी घर भी दिख रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। जिसको जंगल के जिस हिस्से का पट्टा मिला हुआ है उसने वहां पे थोड़े में घर बना लिया है, थोड़े में खेत बना लिया है और बाकी पेड़ों से वो जरूरत का सामान लेते हैं और बेचने के लिए सामान एकत्रित करते हैं। तो लगभग आप जैसे साल में कितना पैसा कमा लेते हैं महुआ गुली तेंदू बेच के? लगभग मगवा के सीजन पे दो आदमी 25-30 हजार तक के लगभग, जैसे मेहनत कर लो उसे। मैं तो मगवा गिर रहे हो आदमी घरे पर सुखा गिर और गुली और तेंदू गुली लगभग माने एक आदमी 10-15 हजार तक कर सकता है। और तेंदू? तेंदू ज्यादा साल में, मतलब एक आदमी मेहनत करने वाला हो, मतलब महुआ बेच रहा हो, ये नहीं कि दारू बना के पी रहा हो, तो साल में 1 लाख रुपए वो कमा सकता है। और वो ये तब तक कमा सकता है जब तक जंगल है, जो जो माइनस खदान लगने की है। हाँ देखो पूरी जब से बक्सवा का सारा मामला शुरू हुआ है यही आ रहा है कि 2.25 लाख पेड़ कटेंगे। 2.25 लाख पेड़ तो वो हैं जिनकी गिनती हो गई है, पर ऐसे बहुत से छोटे छोटे पेड़ हैं जो इस 2.25 लाख की गिनती का भाग भी नहीं है। पेड़ों के भी इंसानों की तरह नाम होते तो इनके कटने का किसी को दुख होता, ये रमेश है ये महेश है। पेड़ों की तो गिनती हो रही है पर यहाँ पे जानवर हैं क्या? जानवरों की गिनती भी हुई है यहाँ पे? जानवर कौन कौन से हैं? चितरा और रजुआ, सामर, शेर, आलू, लड़ज्जा, अन्य चीजें बहुत है अधिक। हो सकता है अभी हमें नजर भी आएगा कोई? नजर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो हम बता नहीं सका। हमारी कोशिश होगी हमें आ जाए तो आ जाए, उन्हें हम ना दिखें। वन खत्म हुआ, अब हम जाएंगे नहाएंगे धोएंगे और फुटेज रिव्यू करेंगे और कल हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। रात को बैठ के मैंने सारी फुटेज रिव्यू करी और अब आज हम जा रहे हैं, हमारे पास प्लान है, हमें क्या क्या चीजें पूछनी है, क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखानी है। जिस गाड़ी ने हमें लेने आया था वो तो गाड़ी आ ही नहीं है, हमें भैया से लिफ्ट मिल गई है। अब हम हीरापुर उतर के अंदर धसेंगे और बक्सवा जाएंगे। हम सारे लोग जंगल की तरफ हो गए, कंपनी अपने और अपने लालच की ओर। इस दौरान हम एक अहम चीज भूल गए, वो है जंगल से जुड़े हुए लोग या आदिवासी जो आज तक जंगल का ध्यान रखते आए, क्योंकि ये जंगल पे निर्भर हैं और जंगल इन पर। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? हम जंगल में बसो। अब क्या लेते हैं जंगल से? कुछ नहीं, हम खेती के लाने बसो है, पट्टी भी मिल गई हमें। तो जैसे जो जंगल का आपको पट्टा मिला उसमें आपने पेड़ काटे क्या? खेती के लाने काटो है लेकिन बर्बाद नहीं करो पूरा जंगल, जो जंगल को महुआ है पत्ती है कसूरी पाकिन जो भी धंधो कर लेते हैं। जो पूरा घर है सब जंगल के? जंगल जंगल के है, कमूल थोड़ी ले रहा हूँ, जंगल में बस जंगल से घर भी नहीं तो कहाँ से जंगल। तो
जंगल नहीं तो घर कहाँ सो। चाचा का ये जो जंगल कट रहा है इस बारे में आपका क्या विचार है? आप चलो बैठो, सबकी राय लेते हैं। आप यहाँ कितने साल से हैं? 35 साल हो गया। 35 नहीं भाई, ज्यादा 18 तो 35 से कम है। 38 साल से आप यहाँ पे, और आप जंगल से भी कुछ सामान वगैरह लाके बेचते हैं? बेचता है महुआ, बेचता है सरवा, पत्ती, आमरी। कुछ जंगल आपने काटा खेत? ये पेड़ा नहीं, ये बस है नहीं रहा। देखो आओ, देखो चल बताओ, देखो ये पेड़ा है, ये वाट है, ईटा होता है। हिमाचल में जिसे हम गज कहते हैं, यहाँ पे उसको ठाट कहते हैं, और वो वास के पेड़ से आता है। तो अगर जंगल नहीं तो घर भी नहीं। अपन को तो सब में मंजूर है, पत्ते मिलेगा तो भी अपन का चलेगा, कंपनी आएगा तो भी चलेगा, अपन तो रह रहे उसे, कंपनी नहीं आएगा तो जंगल से फायदा है, कंपनी आएगा तो दोनों में खुश है। मुझे लगता है शहर के लोगों को जंगल की ज्यादा पड़ी है, जो यहाँ पे लोग हैं उनको तो है कि भाई जैसा है ठीक है। आप यहाँ बचपन से रहे हो, आपको इतना खास नहीं लगता ये? इतना खास नहीं लगा था, अपने बचपन की यही है, अपनी बीत जा रहे कि जीवन बीत जा रहा, अपना आनंद ले रहे हैं जंगल को। तो कोई चीज जब चली जाती है तब ज्यादा दुख रहता है उसका। हाँ। जैसे घर वाली छोड़ के चली जाए तब ज्यादा याद आती है। क्यों ये लोग जिन्हें प्रकृति से सिर्फ इतना चाहिए जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है, जंगल के कटने का विरोध नहीं कर रहे? जैसे मतलब चार लोग कंपनी में लगेगा तो मतलब जैसे गांव में भी बोल रहे कि सब गांव से ले हैं, अगर वो ले के तो जंगल से फायदा होते वो जैसे मतलब कंपनी से मिलेगा। पर प्रोजेक्ट का जो कागज है उस पे लिखा है कि 50 साल का प्रोजेक्ट है, 50 साल बाद अगली पीढ़ी। भैया 50 साल में कुछ तो पेड़ लगेंगे, कुछ पेड़ बढ़ेंगे 50 साल में, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अब ये जो मेरे साथ साथ एक नाली चल रही है ना, ये वालों ने कुछ साल पहले प्लांटेशन करी थी, मुझे तो इसमें एक भी पेड़ जिंदा दिख नहीं रहा। तो यही है, जब कंपनी कहती है कि भाई हम जितने पेड़ काटेंगे उतने पेड़ लगा देंगे, अगर उसका हश्र यही होना है तो फिर ऐसे पेड़ लगाने का क्या फायदा? जिसकी आज की जरूरतें पूरी नहीं है, हम उसको कह रहे हैं कि तुम 50 साल बाद का अंजाम सोचो, 50 साल बाद ना तुम्हारे पास ये नौकरी रहेगी, ना ये जंगल रहेगा, तुम्हारा पानी भी प्रदूषित हो चुका होगा। पर देखिए, जो आज का फायदा है वो बहुत ठोस है, और दूर का जो अंजाम है वो दूर की चीजों की तरह बड़ा ही धुंधला दिखता है। और इन दोनों की तुलना करने के लिए जिस शिक्षा की जरूरत है वो शिक्षा उनके पास नहीं है। हमारे गांव में जैसे 100 लड़के, ठीक है, जब से कंपनी गए, जब से वो कम बच्चे की मारे वो बंद हुए, अब तो हो गए बच्चे, अब तो हम बुला भी रहे सो कोनो आ नहीं रहा, मुझे स्कूल खोलने नहीं आ रहा। हाँ, अपना गांव की तरफ से अपन ने कोचिंग चालू करी, पूरे गांव के जोड़ के अपने बच्चे खिलाने पढ़ा रहे। वैसे गांव में स्कूल है ही नहीं? ये स्कूल है, बिल्डिंग है, लेकिन मास्टर नहीं है। तो ये गांव और स्कूल, और हमें बताया गया जब से पिछली माइनिंग परियोजना बंद हुई है तब से यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, फिलहाल तो छत से पानी गिर रहा। लगभग 4-5 साल हो गए बंद, और ऐसे स्कूल तो है कसेरा, लेकिन 2-3 किलोमीटर पर जंगल को काम कोनो जानवर भी आ सका, और बाल बच्चे छोटे छोटे काम भेज सका। जो स्कूल है भी तो वो 5वीं तक ही, तभी यहाँ पे जो अधिकांश लोग हमें मिले हैं वो 5वीं तक ही पढ़े हैं। कितनी क्लास पढ़े हो आप? तो उसके बाद छोड़ के दिया, शादी हो गई थी। 5वीं क्लास के बाद थोड़ा शादी हो गई होगी। तो यहीं पे अगर स्कूल पूरा हो तो सब पूरा पढ़े? हाँ, पढ़ेंगे। हम तो यहाँ अपनी समझ के अनुसार जंगल को बचाने आए थे, पर हम यहाँ से एक नई समझ लेके जा रहे हैं। पेट भरने और जेब भरने के बीच में भी बहुत सी जरूरतें होती हैं। इन्हें भी अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, इन्हें भी सड़कें चाहिए, इन्हें भी इतना आर्थिक विकास चाहिए कि भाई देश को तो जंगल से ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब इन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए तो इन्हें तो पैसा चाहिए ना। अगर एक कंपनी कहती है कि हम तुम्हें स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, लेकिन उसके लिए जंगल काटेंगे, तो फिर उनको तो मजबूरी बन गई ना। मुझे नहीं लगता इसका एकमात्र तरीका ये है कि यहाँ पे एक कंपनी आए जंगल काटे। पैसा कमाने के और भी बहुत तरीके हैं। अगर पर्यावरण प्रेमी लोग यहाँ पे आते हैं, कैंपिंग करते हैं, स्कूल ट्रिप्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कोई होम स्टे खोल लेता है, कोई गाइड बन जाता है, तो ना सिर्फ लोग यहाँ पे पैसे दे के जाएंगे पर वो यहाँ से अपने प्रकृति के प्रेम को पुख्ता करके जाएंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ थोड़ा भी समय व्यतीत कर लेना,
तो वो बड़ा होकर ऐसी कंपनी नहीं खोलेगा जो जंगल काटने की बात करेगी। तो अगर देश को जंगल चाहिए तो जंगल को आदिवासी चाहिए और हमें इनकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। बाय।